अल्लाह मैं हूँ मुख्तार अहमद मैनेजमेंट फाइव ज़ीरो वन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइंसिस के लिए बॉश यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है तो आज लेक्चर नंबर चार के लिए हम इकट्ठे हुए हैं तो शुरू करें फिर बट यू हैव टू टेल मी फर्स्ट वट वी डिड वट वी हैव कवर्ड लास्ट टाइम लेक्चर नंबर तीन में हमने क्या पढ़ा था कि बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप मेरे साथ नहीं रहेंगे पढ़ेंगे नहीं तो फिर ना तो आपको फ़ायदा है ना हमें फ़ायदा है ना तो आप कुछ सीखेंगे ना हम सिखा सकेंगे तो शुरू करते हैं लेकिन एज यूज़ पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और फिर आज के टॉपिक्स पे आएंगे तो लेट स्टार्ट फर्स्ट लेट्स समराइज़। व्हाट वट वी कवर लास्ट टाइम इन लेक्चर नंबर थ्री ये आपने जान नहीं छूटनी आपकी इसमें से यू हैव टू डिस्कस यू हैव टू लर्न बट फॉर दैट यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स जैसे मैंने आपसे कहा था कि नथिंग इज फ्री सी खाली कोर्स पास कर लेना इज नॉट बिग थिंग आपने इसको सीखना है और फिर इसको अप्लाई करना है तो चले शुरू करते हैं आप बताएंगे कि क्या हमने पढ़ा था यस वो स्टार्टेड विद ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हम थर्ड स्टेज पे आ गए थे मैनेजमेंट के तो में हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने की कोशिश की थी क्या होता आर्गेनाइजेशन ठीक है शाबाश, यस व्हेन टू और मोर देन टू पीपल वर्किंग टुगेदर, फॉर व्हाट? वट अचीव सम गोल यस ऑफ कोर्स। उसके बाद क्या था हमने कुछ किस्में टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कस की एंड व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग टाइप्स उसमें शुरू में एक दो तो ऐसी भी आई थी टाइप्स जिसको हम स्पेसिफिकली टाइप की उसमें बाद उनको डिस्कस नहीं किया था लेकिन यस देर देअर ऑफकोर्स वो थी फाइनेंशियल पर्पज के लिए जो ऑर्गेनाइजन होती हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज वो होती हैं वो जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग है पैसा है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जिनका मेन फोकस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता बल्कि बाकी मकसद होते हैं ओके okay? लेट्स सी भी डिस्कस किए थे हमने वो क्या थे यस टास्क होटल्स वॉज पीपल एंड देन वॉज स्ट्रक्चर एंड लास्ट वन वॉज टेक्नोलॉजी यस उसके बाद एक याद है एक सिस्टम अप्रोच पे हमने देखी थी उसमें क्या था यस दे इनपुट्स एंड देन देर वॉज अ कन्वर्शन प्रोसेस

टूडेज ऑर्गेनाइजन दे आर फेसिंग एंड देवर ये ग्लोबलाइजेशन वॉज वन टेक्नोलॉजी वॉज द नर वन रैपिड चेंजेसोर्स सो इसका मतलब है हम आस्ता आस्ता एक उस पर आ रहे हैं फ्रिक्वेंसी पे आपको मेरी बात समझ आ रही है और मुझे भी खुशी से आगे चलने में हिम्मत भी बढ़ेगी कि यस यू पीपल आर लर्निंग यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज और मेरा मकसद और हमारी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मकसद है वो भी पूरे हो रहे हैं कि आपकी लर्निंग बेहतर से बेहतर हो तो फिर आज शुरू करें तो ये भी तो मालूम होना चाहिए आपको कि आज क्या पढ़ना है यस लास्ट टाइम आई ये यू सम इंडिकेशन क्या पढ़ना है आज लेट्स सी तो क्या हुआ अब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आगे तो अब देखना है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है yes, बाकी भी हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन ऑफ कंसेप्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट साइंसिस तो हमने देखना है कि लोग कैसे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जब काम करते हैं तो वो यू माइट ऑब्जर्व सर्टन डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर देयर इसका मतलब है हमें आप बिहेवियर को भी समझना है कि बिहेवियर क्या होता है तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज पीपल वर्किंग टूगेदर अभी आप अकेले काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ के पढ़ रहे हैं डिस्टेंस काइंड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग यू आर इन्वॉल्व कुछ अर्सा पहले आपने कॉलेज स्कूल अटेंड किया होगा जहां लोगों के साथ मिलकर बाकी बच्चों के साथ मिलकर आपने पढ़ा होगा डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस देयर ऑफकोर्स लर्निंग में तो डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव साइड तो होंगे लेकिन वट अबाउट अदर थिंगस जब इकट्ठे आप, आप रहते हो इकट्ठे काम करते हो उसमें से बहुत सी चीजें होती हैं कुछ आपको दिल बड़ा करना कुछ दूसरों ने किया होगा कुछ आपने एक दूसरे से इंटरेक्ट करके लर्न किया होगा कुछ जो आपने दो और दो मिलके, कहते हैं दो से दो ग्यारह बनते हैं और जब चीज बढ़ती है तो उसको उसका फायदा भी आपने देखा होगा इकट्ठे मिलके जो एक यूनिटी में जो उसमें एक आपको एक्स्ट्रासनर्जी या इफेक्ट मिलता है वो कैसे आपने अचीव किया था यही थी चीज को आज का टॉपिक जो आज के लेक्चर है हमारा इन्हीं चीज को हम आज डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एस्पेक्ट जो है वो लोगों का इकट्ठा काम करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इफेक्ट क्रिएट करता है और उसको हमें समझना इसलिए है कि टुडे टुमारो यू माइट बी वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन टुमारो यू माइट हैव टू लीड प्ले लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल विल बी वर्किंग विद यू So, आपके लिए काम करने से करने में और काम कराने में आसानियां पैदा होंगी सो लेट स्टार्ट एंड स्टार्ट लुकिंग दट हाउ पीपल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसके क्या फायदे हैं ये तो याद होगा आपको उसी चीज को जो हमने कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के देखे थे सो so, तीन अफकोर्स टेक्नोलॉजी ऑल्सो देर इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट यू आर वर्किंग देर थ्री थिंग्स एक खास ऑब्जेक्टिव एक खास गोल के लिए वो काम करते हैं एक स्ट्रक्चर में वो लोग आ, काम करते हैं और इकट्ठे लोग मिलकर काम करते हैं सो मेनी डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट आस्पेक्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड केयर लगता आसान है एट द सेम टाइम इट इज नॉट सो सिंपल रियालिटी इफ यू सी हमारे जहन में तो है ना कि दो चार लोग आपकी क्लास में पंद्रह बीस लोग होते होंगे जब आपने कॉलेज में थे चालीस लोग मे बी फोर्टी स्टूडेंट्स बट जस्ट इमेजिन अबाउट बिग आर मोर देन टेन थाउजेंड पीपल हंड्रेड थाउजेंड पीपल इन वन ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे इन चीजों को इनटेक्ट रखना है यूनाइट रखना है एक सिस्टम अप्रोच के साथ आना है ताकि वो जो आपका मिशन है वो जो गोल है उसको अचीव किया जाए कैसे उसको स्ट्रक्चर किया जाता है एंड सी एन ईच स्टेप एट ईच लेवल द ह्यूमन आस्पेक्ट इज देयर एंड यू कैन सेपरेट दोज ह्यूमन थिंग्स फ्रॉम दोज थिंग डजेंट मैटर हाउ टेक्नोलॉजिकली यू आर एडवास कितना आपने रोबोटिक्स पे चले गए हैं कितने आपने तो वो जो उसको मैकेनाइज सिस्टम पे ले आए हैं बट स्टिल पीपल आर इन्वॉल्व वो जो इंटरफेस है कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन आस्पेक्ट तो है ही है तो इस चीज को कैसे आपने लिंक करना है और समझना है बेसिक अगेन कॉन्सेप्ट पीपल कैन बी मोर प्रोडक्टिव वेन दे आर वर्किंग टूगेदर आइसोलेटेड यू माइट बी वेरी गुड थिंकर यू माइट बी गुड साइंटिस्ट रिसर्चर बट स्टिल उसका जो फ्रूट है उसका जो फल है वो उसी वक्त हासिल हो सकेगा जब आपके साथ एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे इनवॉल्व पीपल दे इनवाइट पीपल दे हायर पीपल और उनको मुख्तलिफ पोजीशंस पे उनको असाइन करके काम को लेके आगे चलाया जाता है ताकि मैक्सिमम उसका फ्रूट उसका बेनिफिट लिया जाए तो एक से बेहतर दो दो से बेहतर इसी तरह जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा आपके पास एक्सपेंशन आपका डाइवर्सिफिकेशन और काम बेहतर तरीके पे प्रोबेबिलिटीज़ इज देयर के लेकिन इसके जब हम किसी स्टेट में ग्रुप डायनामिकजम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें कभी कभी नुकसान भी होता है कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उसका नुकसान भी होता है क्योंकि वो जो चंद लोग सीरियसली काम कर सकते हैं जब उसमें रश पड़ जाए तो फिर वो काम ख़राब भी हो जाता है लेकिन लेट्स पगेट अबाउट दोस थिंग एट द मोमेंट एंड जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग लोग आते हैं इकट्ठे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं एन डी परफॉर्म फॉर द कंप्लेक्स टॉस्क जो एक किसी के बस का काम नहीं होता वो मिलकर उस काम को करने की कोशिश करते हैं वेन वाकिंग अबाउट द मेथ्स ऑफ मैनेजमेंट तो इसमें कहा जाता है कि आज के मैनेजर को यह भी समझना है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना वेन ही आर शी इज टाकिंग अबाउट पीपल वेन दे हैव टू मैनेज पीपल नॉट ओनली मैनेज पीपल बट दर्गेनाइजेशन विच नॉट ओनली आर्गेनाइन बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिव टू आर रिस्पांसिबल टू द सोसाइटी तो इस सारी चीज में इस सारे बिग पिक्चर को रखते हुए सामने आप सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोग काम करते हैं तो ना सिर्फ वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बल्कि वो अपने अदारे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना सिर्फ वो अपने अदारे के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बल्कि उनको सोसाइटी को भी जवाब देना होता है तो ये चीजें जहन में रखते हुए बेस को स्ट्रांग uh, करते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड तो देखें वाई डू पीपल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टास्क हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हैं प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री का जहन में रख लें किसी इंस्टीट्यूशन को अपने जहन में रख लें किसी ऐसे अदारे को अपने जहन में रख लें जिसमें शायद थोड़ा सा आपको आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली में या अपने स्कूल को देख लें अपने कॉलेज को देख लें कैसे काम होता है कैसे मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ जगहों पर उस सारी के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और उन सब का मकसद अल्टीमेटली इज़ द सेम वो उस इंस्टीट्यूशन के लिए सारे मिल के काम कर रहे होते हैं और किस तरह उनके आपस में लिंकेज होती है और वो जो दो बेसिक लेक्चर नंबर थ्री में उन्होंने पढ़ा था कि दे आलवेज कोऑपरेट एंड डिकम्युनिकेट विद अदर ट तो जो फ्लो ऑफ वर्क है वो प्रॉपरली होता रहे और ऑर्गेनाइजेशन अधारे डिलीवर करें और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें लेट्स गो वन बाई वन एंड सी वट इज इन टूडेज लेक्चर्स नोट्स कि हमने क्या देखना है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है वाई नॉट आइसोलेटेड एंड किस किस्म के काम किए जाते इन दर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इन टू रिलेशनशिप कैसा एक एग्जाम्पल हमने कोर्ट की थी लास्ट लेक्चर में किलेट सी आपने एक प्रोडक्शन यूनिट है आपके अंदर आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड यू हैव डिफरेंट यूनिट वन इज अकाउंट डिपार्टमेंट और फाइनेंस एंड अदर वन इज परचेज एंड वन इज प्रोडक्शन आप इन इंडिविजुअल में या इन इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर देखा जाए या विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन बन गई उनके अंदर आपस में किसान रिलेशनशिप बनानी एंड हु प्रोवाइड सच थिंग आप ने ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स हैं वो यूनिट्स मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसी ने आपको रजिस्ट्रेशन मटीरियल देना है तो किसी ने आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है एंड सिमिलरली अदर टू अरेंज सच टाइप ऑफ लेक्चर्स एंड देन कोऑर्डिनेट आपस में उनकी लिंकेज है जिसकी वजह से हर एक को पता है कि उसने क्या काम करना है तो टाइमली वो काम आप तक इस शक्ल में पहुंचता है कि आपकी लर्निंग हो सके तो सिमिलरली अदर ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट ऑफकोर्स टास्क और ऑब्जेक्टिव पीपल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन इस विकास, एंड वट का वर्क के डू

फ्यूचर के एस्पेक्ट को देखते हुए स्टडी करके बताएगा कि आपको क्या करना है पर्सन कैन बी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बट अगेन दोपार्टमेंट कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल पीपल तो उनको आपस में लिंक करना इवन विद इन वन यूनिट यू माइट हैचेज में देखते हैं हम कि उस परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी किसी ने ये डिसीजन कराना है कि परचेज करना क्या किसी ने ये एक्टिविटी करनी है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है किसी ने ये एक्टिविटी करनी है कि मार्केट से उसकी पता करना है कहाँ से चीज मिल सकती है किस प्राइस में मिल सकती है एंड सम हैज टू डिसाइड कि इस बेस पे उस रिक्वायरमेंट के बेस पे कितना ऑर्डर हमने देना है और कैसे डिलीवरी लेनी है तो सी हाउ दे हैव आन लिंक टुगेदर सो अल्टीमेटली वो अपना वो काम स्पेसिफिक काम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें नेक्स्ट इज वेन दे आर लिंकोर्स आर यू डिस्कस दे है लोग जो है अपने अपने उनको टास्क दिए जाते हैं कि आपका यह काम है आपका ये काम है ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकें दोबारा देखते हैं कि आपने असाइन कर दिया आपने इंडिविजुअल को लिंक कर दिया एक अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आपने इंडिविजुअल को लिंक कर दिया एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर और हर एक को डिप्टी साइन होगी कि यू हैव टू स्टार्ट द मशीन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल कि अगर कोई इसमें ट्रबल शूट ट्रबल होती है तो उसकी शूट किस तरह उसको ठीक करना है पर्सन पर्सन ए बी बी सी विल कि अगर ये बंदा जाब पे नहीं आता तो उसकी जगह कौन रिप्लेसमेंट देगा तो हर एक को पता होता है कि उसकी क्या एक्टिविटीज है क्या उसने टास्क परफॉर्म करना है सो दैट वही अगेन टू अचीव द ऑब्जेक्ट देन वेन आई नो पर्सनली दिस इज माई टास्क सो आई शुड ऑल्सो नो कि मेरे पास क्या अथॉरिटी और मैं कितना उस पर काम कर सकता हूं लेट्स टेक द एग्जाम्पल लेट्स परचेज ऑफिसर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन एंड आई शुड नॉट ओनली आई नो दैट वट काइंड ऑफ टास्क आई विल बी परफॉर्मिंग बट अटैच टू दैट पर्टिकुलर टास्क वट काइंड ऑफ अथॉरिटी वट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर आई हैव उ फार आई कैन गो माई सेल्फ और किस डिसीजन के लिए मुझे किसको अप्रोच करना है किससे पूछना है कितना मुझे बजट मिल सकता है जब बजट मुझे मिल गया तो मुझे पता है कि इस बजट में से कितना कितना मैंने किस चक्कर किस हेड में खर्च करना है तो ना सिर्फ आपको टास्क दिया जाता है बल्कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस चीज का भी डिसाइड किया जाता है कि आपको अथॉरिटी भी साथ उसके साथ बताई जाए कि वट यू आर स्कोज टू डू हाउ फार यू कैन गो इन यूर वो जो आपका प्लेटफॉर्म है या जितना आपकी एक्टिविटीज का सर्कल uh, बनता है उसके अंदर कहां तक आप मूव कर सकते हो तो जब यह चीज भी के लिए रोलती है यह भी कौन करता है यस ह्यूमन बीइंग पीपल एंड वो वेन दे नो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू होम और उनको यह भी पता है कि उनके टास्क क्या हैं उनके काम क्या हैं और उसके लिए कितनी अथॉरिटी उनके पास है और किस चीज के लिए किससे पूछना है किससे ऑर्डर लेने किससे मशुरा करना है देन नेचुरली नेक्स्ट थिंग विल कम हाउ टू कॉर्डिनेट दोआर्डिनेट अट कि उन ऑब्जेक्टिव को उन एक्टिविटीज को जो मुख्तलिफ यूनिट्स की थी उनको आपस में क्वारिनेट भी करना है जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी तो हम आपके जहन में छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होंगे इसलिए आप उन चीजों को शेयर उस उस

इनकी कॉर्डिनेशन आपस में किस तरह रखनी है सो दैट दे शुड बी एबल टू मेंचीव दरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कॉर्डिनेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट क्योंकि स्पेशली जब वर्चुअल कॉन्सेप्ट बात करते हैं तो उसमें तो कहीं रात है कहीं दिन है टाइम स्पैंड को भी टाइम का जो है उसको भी टैक्ट में रखना है सो वी वाकिंग दैट इन इनकेस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन You have to deal with people working in different uh, geographical areas. If then is difficult. And especially when you want to keep the same pace at each place, keeping them focused, they should all work in the same direction, with the same pace, with the same intensity. ताकि उस आर्गनेशन के गोल को अचीव किया जा सके और यहां पे ध्यान में रखिए कि हर जगह पे हर प्लेस पे ह्यूमन पार्ट इज देयर लोग वहां काम कर रहे हैं लोगों को बेसिकली लेके आगे चलना है आपने तो ये भी रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है वहां पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैनेजमेंट के लिए टू कोआर्डिनेट सच एक्टिविटीज डिफरेंट प्लेसेस पे हो रही है उसके अलावा देन सबसे इंपॉर्टेंट काम टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ वर्क एंड फैसिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहां जहन में ये होता है कि लेट्स सी, आई एम मैनेजर आर यू आर मैनेजर आर यू आर द काइंड ऑफ एनी ग्रुप लीडर तो यू आर द बॉस एंड बॉस का काम क्या है उसको लीड करना कंट्रोल करना लेकिन अगर एक्चुअल रियालिटी में देखा जाए तो वी आर ऑल टू फेसिलिटेट थिंग्स फिलिटेट व्हाट? टाइमली इंफॉर्मेशन टाइमली रिसोर्स और डायरेक्शन को देते हुए फेसिलिटेट करते हुए अल्टीमेट गोल को अचीव करना तो यहां पे जब लोग आपके साथ काम हैं मुख्य जगहों पे, आपने कोऑर्डिनेशन भी की है उनकी आपने उनके लिए फेसिलिटेशन भी की ना सिर्फ आपने बल्कि हर एक ने अपनी जगह पर रह कर किसी ना किसी को फैसिलिटेट किया किसी भी यूनिट में काम करें किसी पोजिशन पर भी आप काम करें व टू फेसिलिटेट सर्टन एक्टिविटीज सर्टन पीपल सो दैट वो सारा कॉर्डिनेटेड वर्क एक खास तरफ चलता रहे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए तो लेट सी वॉट इज द सेकेंड पार्ट और सेकेंड टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर तो ऐसा कीजिए जस्ट फॉर ए ट्राई डू दिस वे किसी दिन अपने चंद साथियों को बुलाइए अपने वही क्लास फेलो जो आपके साथ ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनके साथ बैठ के पढ़िए एंड जस्ट ट्राई टू एनालाइज के व्हाट इज द डिफरेंस क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको करनी पड़ रही हैं कितना आपको कंपनसेट उनको फैसिलिटेट करना पड़ रहा है कितना उनको आपके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है और लर्निंग में फिर क्या प्लस या नेगेटिव क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं तो डू दिस दिस विल बी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप इंडिविजुअल आजकल घर में बैठ के पढ़ रहे हैं आपने जो आपका सेंटर है वहां पे जाके आप जाके पढ़ते हैं लेकिन किसी दिन साथियों को बुलाइए अपने साथ और बैठ के एक आध सारी एक्सरसाइज को दोबारा करने की कोशिश कीजिए एक आध लेक्चर को दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए एंड यू रियलाइज की हाउनिफिट बेनिफिशियल इट इज ऑफ वर्किंग टूगेदर ये इफ वी गो फॉर द नेगेटिव आस्पेक्ट क्यू माइट गेट सम नेगेटिव आस्पेक्ट टू कि, yes, कि यार टाइम होता है गप्पे ज्यादा लगती है ये टाइम मेरा भी जया कर रहे हैं लेकिन अगर इसको आपने फैसिलिटेट ठीक किया आपने इसकी आपस में लिंकेज इतनी अच्छी डेवलप की इतना कॉर्डिनेट इतना अच्छा किया तो आप देखेंगे कि इसका फायदा ज्यादा होता है बने पर नुकसान के लेट सी वट इज नेक्स्ट बेसिकली वन वी आर टॉकिंग अबाउट दर्गनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर तो उसमें एक नया सब्जेक्ट जन्म लेता है जिसको हम आर्गनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं दो दिस इज नॉट पर्टिकुलरली अवर सब्जेक्ट वीट शुड नॉट बी डिस्कसिंग दिस थिंग स्पेसिफिकली होल सब्जेक्ट इस एक पूरा कम्प्लीट सब्जेक्ट है लेकिन क्योंकि ये जो बिहेवियर आस्पेक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए तो हमने मुनासिब समझा कि आपको जैसे मैंने शुरू में कहता आ रहा हूं कि चंद बेसिक कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने हैं आपके साथ लर्निंग उनकी होनी है ताकि आपका वो जो प्लेटफॉर्म है प्रॉपर बन जाए जिसपे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छी तरह समझ सकें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट आता है फिर जब हम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर आस्पेक्ट की बात करते हैं तो एक नया अपने लक्ष्य शायद सुना हो पहले भी एक नया कॉन्सेप्ट एक नया सब्जेक्ट यहां से जन्म लेता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड वॉट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बाई द वे किसी भी इदारे के अंदर जो ह्यूमन लोग इंसान जो काम कर रहे होते हैं उनका बिहेवियर उस ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है या उसको बुकिश स्टाइल में इट इज सिस्टमेटिकल स्टडी

कि फिर आपको अंदाजा होगा कि इसका इन इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप आपस में इनका बिहेवियर को हम किस तरह रिडायरेक्ट कर सकते हैं टू बेटर परफॉर्मेंस तो थोड़ा सा ग्राफिकली आपको समझाने के लिए कि ह्यूमन बिहेवियर या आर्गनाइजेशन बिहेवियर जिसे अभी ब्रॉडस्ट स्पेक्ट्रम में कहते हैं वो क्या चीज है ये जो block, तीन ब्लॉक मिलकर ऑर्गेनाइजन बिहेवियर डिजाइन करते हैं वो है बेसिकली नंबर वन इंटरपर्सनल बिहेवियर ऑफ द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन उनकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं एंड वो जो बिहेवियर एस्पेक्ट जो रिफ्लेक्ट होते हैं कि तीनों कंपोनेंट मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को जन्म देते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अगेन रिमेंबर एक सिस्टमेटिक स्टडी को ऑर्गेनाइजन बिहेवियर का सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि समझें Uh, उस बिहेवियर को किसी द ग्रुप डायना शक्ल में काम करते हैं तो उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा होता है तो उसको ऑर्गनाइशन बिहेवियर कहते हैं वाई डू वी स्टडी ऑर्गनाइजन बिहेवियर अगेन टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ यूर ऑर्गनाइशन वी कॉल द ह्यूमन रिसोर्स वाय Because it is, it will help you to learn even ourselves, to learn about yourself and to how to deal with other people. What I should be expecting from you and what you should be expecting from me, it will be only and only it will be clear when I understand the basic behavior aspect, kya hai, behavior, the basic components. And this is the that आपने कहीं ना कहीं काम करना है हम like, कल कहीं और भी काम करना पड़ेगा तो फिर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है वर्किंग विद पीपल तो इस चीज का समझना बहुत जरूरी है जब आप किसी के साथ काम करते हैं या आपने किसी से काम लेना है तो बिहेवियर एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसका क्या फायदा होगा एंड दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दर्गनाइशन इवेंट कि क्या क्या होता है किस चीज से कोई मोटिवेट होता है किस चीज पे किसको नाराजगी होती है किस चीज से कोई परेशान होता है किस चीज से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है अगर मुझे बेसिक ऑर्गेनाइजेश इवेंट का पता चल जाए दैट विल वेरी इजी टू प्रोडिक्ट दर्गनाइेशन इवेंट कि अब आगे क्या होगा बेस्ट ऑन वट एवर आई एम ऑब्जर्विंग वट एवर आई एम गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द पीपल दूसरों को देख के दूसरों का बिहेवियर एस्पेक्ट समझ के मेरे लिए आसानी होगी कि मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि अब क्या होगा क्या हम उम्मीद करेंगे डेडलाइन जो हमें मिली हुई है क्या वो ऑब्जेक्टिव जो हमने अचीव करने थे वो पॉसिबल हो जाएंगे इन इन सर्कमस्टांसिस में इन हालात में एन इफ आई कैन प्रिडिक्टो डोंट यू थिंक इट विल बी ईजी फॉर मी या यू टू इवन इन्फ्लुएंस देशन बिहेवियर सो इट इज ए नेचुरल ट्राइंगल टाइप ऑफ थिंग्स

आप समझेंगे ये तो कुछ पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए नहीं ऐसा नहीं है आपको पता हो कि मैं किस चीज से मोटिवेट होता हूं या मुझे पता हो कि आप कैसे मोटिवेट होकर पढ़ते हैं वाई डू आई ब्रिंग सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स थिंग हेयर कि मुझे तो अंदाजा है इतने सालों में एजुकेशन से इन्वॉल्व रहने में कि जब तक लाइवली चीज ना हो इंटरेस्टिंग ना हो तो लोग कंसंट्रेशन नहीं पे करते उनकी लर्निंग नहीं होती जब तक इसको थोड़ा सा फन पार्ट ना बनाया जाए इंटरेस्टिंग ना किया जाए तो बच्चे पढ़ते नहीं है ये जब तक उनसे कहा नहीं जैसे जैसे मैं हर लेक्चर में आपसे कहता हूं कि आपने पढ़ना है आप कि री इन्फोर्समेंट करना है तो डोंट यू थिंक अगर मैं वो री एनफोर्समेंट करूंगा मैं बार बार आपसे कहूंगा तो उसका इफेक्ट निकलेगा आप करेंगे तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग मैनेजर्स एनी पर्सन वर्किंग विद अदर पीपल कैन द बिहेवियर ऑफ पर्सन एंड आल्सो ट्राई टू इन्फ्लुएंस इन अ पॉजिटिव वे टॉक अबाउट पॉजिटिव वे कि उनका बिहेवियर को उस तरह इन्फ्लुंस किया जाए कि डिजायरेबल रिजल्ट निकल सकें दिशा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि रिसर्च की फाइंडिंग है लोगों ने मुख्तलिफ स्टडीज की ये देखा कि यस अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए इवेंट अगर आपको पता हो कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं अगर आपको बेसिक फंक्शन का पता है और यह भी पता है कि किस तरह आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अंदाजा लगा सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट कैसे टेक प्लेस करते हैं स्पेशली पीपल पीपल। आर द तो फिर आप उन लोगों के उन बिहेवियर्स को इन्फ्लुंस कर सकते हैं फॉर द डिजायरेबल बिहेवियर फॉर द डिजायरेबल आउटकम्स तो लेट्स गो फॉर द बिहेवियर पार्ट कि ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन तो के अंदर आप अपने इंप्लाइज का बिहेवियर को किस तरह प्रिडिक्ट करते हो और ना सिर्फ प्रिडिक्ट करते हो बल्कि इन्फ्लुएंस करते हो अबाउट नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेट हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप इस तरह का बनाते हो कि वो नेचुरली खुद ब उनका बिहेवियर टूवर्ड डिजायरेबल एक्शन ले आते हैं नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बट कम्युनिकेशन स्टाइल इस तरह का होता है कि किस तरह कम्युनिकेट करना है किसने किसको कहना है और किसने आगे उनसे जवाब लेना है और उसको देखना है ये भी खुद ब खुद आपका बेसिकली आपके रिएक्शन को आपके बिहेवियर को मोट करने के लिए होता है एंड देन ऑफकोर्स यू डू द परफॉर्मेंस अप्रेजल ये सारे इवेंट इनशाला सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली एवेल्युएशन करते हैं आप लोगों की जो आपके पास काम कर रहे होते हैं बहुत सारे तरीके हैं is separate issue, separate subject, lecture, इस पे हम डिस्कस करेंगे आप इसको इतना इंटरेस्टिंग डिजाइन करते हो वर्क को कि लोग खुद खुद उनका बिहेवियर मोल्ड होता है टू वर्ड अचीविंग देश गोल्ड नॉट ओनली दैट द जॉब इट लोग कहते हैं यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब जौर, है मैं करूंगा ये समीपल्ट वॉट वर्क देअर बिकॉज मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा ये चीज जो जब डाप डिजाइन करते हैं जाब क्रिएट करते हैं उसकी एक्टिविटी उसमें टास्क डिजाइन करते हैं तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है कि कौन सी ऐसी चीजें जो जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग होगी उनके लिए इफ, वो जो इतना उनका स्किल्स है एबिलिटीज है उसके अंदर मैच करती आएंगी ताकि वो डिलीवर कर सकेंगे तो ये भी एक तरीका है उनका बिहेवियर को इंफ्लुएंस करने के लिए देन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन इट और एज ए होल का कल्चर इन्वायरमेंट दैट इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वाइट रोल इंफ्लुसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा आपके घर के अंदर बहन भा, भाई होते हैं किसी का बिहेवियर किस तरह का है, किसी का बिहेवियर किसी तरह का एक घर में रहते हुए डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं अगेन देखा जाए तो लोग कहते हैं और ये बेसिकल स्टडीज से प्रूव भी है कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है दो चीजें बेसिक पार्ट प्ले करती हैं आपके बिहेवियर में एक तो इनहेरिटेंस कुछ चीजें आपके इनहेरिटेंस होती है हेरिडिटी होती है आपके यहां ट्रांसफर होती है पहले से और देन एनवायरमेंट इज प्लेइंग वेरी वाइटल रोल आप अगर बायोलॉजी आपने पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कंट्रोल बाई द एन्वायरमेंट तो आप देखते हैं कि कोई लेट्स इफ यू आर लिविंग इन ए थोड़े से गर्म इलाके में रहते हो तो सेब का दरख्त आप नहीं उगा सकते वहाँ पे क्यों उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए आप मुल्तान के एरिया में हो फैसलाबाद के एरिया में हो आम बड़े अच्छे वहाँ उग सकते हैं बट सेब उगाने के लिए दैट विल बी डिफिकल्ट सिमिलरलीफर लिविंग इन ए कोल्ड एरिया मरी में हो को अंदर हो यहीं रहते हो वहाँ के आम उगाना आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन एप्पल्स की वो जो जिन उसकी जिनोटिपिकल मेकअप है उसके एक्सप्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की जरूरत है इसी तरह आपके जो बिहेवियर आस्पेक्ट हैं ये कैसे सीखते हैं आप स्टार्ट फ्रॉम दी फैमिली बेसिकली कुछ लोग कहते हैं जी उस बच्चे का बड़ा वो बच्चा बड़ा गुस्से वाला है वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। वो बड़ा हम्बल है क्योंकि उसके सारे बुजुर्ग जो हैं ऐसे ही हैं या वो अपने भाई पे बिल्कुल भाई से मुख्तलिफ है उसका बिहेवियर कुछ चीज़ें इन्हेरिटेंस आपके अंदर खुद बुद्ध बिल्ड होती हैं बड़े हार्डवर्किंग लोग होते हैं पीपल नो कुछ हदसा पहले आपने कहा सुना होगा जी ये मार्शल कॉम है सारे लोग फौज में जाते हैं पुलिस में जाते हैं वो फाइटिंग स्पिरिट है उनकी वो उनके इनहेरिटेंस उनके जो हैरिडिटी है उसके अंदर इन बिल्ड होती हैं चीजें दैट इज वाई इट इज देयर एनी टू बेसिक थिंग रिमेंबर आपके बिहेवियर के लिए दो चीज़ें बेसिक रोल प्ले करती हैं वन इज हेरिडिटी एंड एन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इज प्ले वेरी वाइट रोल आप देखते हो कि एक अच्छा सा इंसान भी था वो किसी ऐसी इन्वायरमेंट में चला गया जहां उसका बिल्कुल एटीट्यूड बिहेवियर अपनी फैमिली बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो गया क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ग्रो अप हुआ लेकिन जनरली बिहेवियर जो आप देखते हैं आप सीखते हो अपने साथियों से अपने घर से अपनी जो शुरू की जो मेडिकल में कहते हैं कि टॉडलर एज तक जब लोग होते हैं मैक्सिमम उनका बिहेवियर आज तक डिवेल्प हो चुके होते हैं बाद में आस्ता आस्ता उनके टाइम के साथ साथ इनवायरमेंट के अंदर रहते हुए मुख्तु इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए वो मोल्ड अप होते जाते हैं उसके अंदर पॉलिश निखार आता जाता है लेकिन बेसिक जो वैल्यूज होती हैं जो नॉर्म्स होते हैं वो आप घर से सीखते हो अपनी सोसाइटी से अपनी नेबरहुड से सीखते हो अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप अटेंड करते हो शुरू के जो स्कूलिंग है वहां से आपकी लर्निंग होती है लेट्स सी इन दिस डायग्राम दिस स्लाइडिविजुअल डिफरेंट होता है सो देर आर इंडिविजुअल डिफ्रेंसिस फ्रेमवर्क होता है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से फर्क करता है इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कीपिंग एन व्यू द सेम इनहेरिटेंस बेसिकली और फिर आपकी वैल्यूज वैल्यूज क्या होती है नॉर्म्स जो आप अपने रिलीजन से अपने घर से अपनी सोसाइटी से सीखते हो एंड ऑफकोर्स यूर अबिलिटीज एंड स्किल्स आपकी जो नॉलेज है जो लर्निंग है जो एक्सपीरियंस लेते हो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके बिहेवियर के अंदर आपने सीखा ऐसे आपने देखा ऐसे आपकी लर्निंग ऐसी हुई तो नेचुरली आपका बिहेवियर भी उस तरह मोल्ड होता जाता है देन कोर्स ये चीज़ें भी ये इन्वायरमेंट भी सारा चीजें आपकी वर्क रिलेटेड जो आपकी एटीट्यूड्स हैं उन पर भी इफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली जो आपका वर्क रिलेटेड बिहेवियर है ये बहुत सारी फोर्सेज जो हैं ये सारी इकट्ठी होके आपके बिहेवियर पे इफेक्ट कर रही होती है और अगेन रिमेंबर द लार्जर पिक्चर रोल ए वन पर्सन इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन बिहेव डिफरेंटली एंड देन इफ ही आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल के अंदर होते हो कॉलेज के अंदर होते आपका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है होता है उस एनवायरमेंट के मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है आप घर के अंदर हो डिफरेंट है आप मस्जिद के अंदर हो आपका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है अब के अंदर अपने फ्रेंड्स uh, के साथ अपने क्लास फेलो के साथ बाहर खेल रहे हो क्यों तो बिहेवियर माइट भी डिफरेंट बेसिक थिंग्स आर देयर बट वो एनवायरमेंट जो है वो आपके उस बिहेवियर को मोल्ड करता रहता है चेंज करता रहता है आई डोंट वॉन्ट टू गो इन दैट मच डिटेल अबाउट दिस सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज टोटली डिफरेंट कंप्लीट सब्जेक्ट और आपको कंफ्यूज करना मकसद नहीं है सिर्फ बताना है ये बेसिक चीजें भी इफेक्ट करती हैं आप नोट्स में देख लीजिए थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन ज्यादा डाल दूंगा वहां पे ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी वट आर द वेरिएबल्स वट आर द बेसिक थिंग विच आर इफेक्टिंग ए बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ह्यूमन बींग राइट द बिग पिक्चर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन उस पर एक जो इंसान है एक पर्सन है एक खास एनवायरमेंट के अंदर उसका बिहेवियर बनता है और जैसे आपने इस स्लाइड में नीचे देखे लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड ई वट इज बी बी स्टैंड हेअर फॉर बिहेवियर बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ द पर्सन हिम हिम हर सेल्फ और दिस एनवायरमेंट के अंदर ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंट सो बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन इट सेल्फ दे और सर्टन अदर थिंग विच आर एफेक्टिंग ए पर्सन एंड दोज थिंग आर लाइक उसकी नॉलेज और स्किल्स क्या है उसने सीखा क्या हुआ है उसकी पर्सनैलिटी क्या है परसेप्शन कैसी है उसकी एंड हे आर यू बिलीव मी एवरी बॉडी हैज़ ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एवरी बॉडी हैज़ ए डिफरेंट परसेप्शन ये चीज़ें नई आपके जहन में आ रही सुन रहे होंगे इन सब जो हर मे लफज आप सुन रहे हैं इसकी आपके नोट्स के एंड पे इसकी डेफिनेशन भी हैं इनको एक्सप्लेन किया हुआ है

आप कोई चीज देखते हो उसको कैसे कंसीव करोगे परसीव करोगे बेसिकली आप को, आपसे कोई आप एक दिन देखते हो कि घर में बैठ हो, बैठे बैठे या कोई मेहमान आ गए हैं तो आपकी वालदा या आपके वालद की एक आंख का सिर्फ ऊपर करना यही से आप अंदाजा लगा लेते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं कि कैसे है उन्होंने कोई लफ्जा अदा नहीं किए कम्युनिकेशन का और कोई टूल यूज नहीं किया बटीन व द आइडिया की इसका मकसद क्या है इसका मतलब क्या है यू प्रसिव दैट थिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ यूर पेरेंट्स दूसरा उसे कोई मतलब भी निकाल सकता है तो अगेन परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट पर्सन योर परसेप्शन कैन बी डिफरेंट फॉर वन थिंग आई माइट है इसी तरह पर्सनैलिटी है वॉट इज पर्सनैलिटी हमने तो यह सुनाया कि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है इट इज नॉट ओनली द जो एक, उसका जो सामने नजर आ रहा है बट इट्स अ कम्प्लेक्स थिंग इट इज अ पर्सन सिचुएशन इंट्रैक्शन हम इसको बिहेवियर के उस सब्जेक्ट के अंदर इसको जब डिफाइन करते हैं ए पर्सन सिचुएशन इंट्रेक्शन एक खास सिचुएशन के अंदर जब एक इंसान रिएक्ट करता है या इंट्रैक्ट करता इंट्रैक्शन होती है जो उसका बिहेवियर होता है उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है ए मेनी थिंग्स उसने उसकी शक्ल सूरत उसका जो है बिहेव करना और बहुत सारी चीजें भी आती हैं तो पर्सनालिटीज़ देयर अगेन एटीट्यूड द वैल्यूज एथिक्स, द नॉर्म्स ये सारी चीजें जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कोई चीज आपके लिए एथिकल हो सकती है दूसरे किसी के लिए अनएथिकल हो सकती है हम एक चीज को अनएथिकल कहते हैं दूसरे उसको कहते हैं कि नहीं यार ये तो ये तो नॉर्मल लाइफ की चीजें अगेन देखें कि आपका कल्चर आपकी सोसाइटी आपके रिलीजन आपकी फैमिली वो चीजें डिटर्मन करती रहती हैं कि कौन सी चीज एथिकल है, है कौन सी अन तो बेसिकली स्टार्ट विद वैल्यूज नॉर्म्स के साथ उस बेस पे ये सारी चीजें डेवलप होती रहती हैं आपकी उसी बेस पे आपका एटीट्यूड बनता है उसी बेस पे आपकी पर्सनैलिटी बनती है उसी बेस पे आपकी परसेप्शन डिजाइन uh, होती है एंड अल्टीमेटली ए कंप्लीट पर्सन इज देयर अब नाउ दिस पर्सन when that person is in a particular environment, let's see if you are in pakistan, certain things seem to be ethical for you or unethical for you. but when you are going to another society, when you are going to another environment, they might have a totally different concept. and there you have to adjust yourself so that you should not deviate from your basic norms and values. but same time, you should not be kind of feeling there isolated in that particular environment. so they can consult. एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि जब आप बाहर की जा, किसी जगह जाते हैं आपको पता है कि हम दूसरी कंट्री में हैं तो यहां रूल रेगुलेशन बड़े सख्त होंगे टफ होंगे तो आप बिल्कुल आप किसी को कहना भी नहीं पड़ता कि आप लाइन बनाएं आप लाइन में खड़े होते हैं। और हमारे यहां अपना पाकिस्तान माशाल्लाह जिंदाबाद आजाद मुल्क है यहां आएंगे सबसे पहले लाइन भी हम तोड़ेंगे अपना वतन है ना तो देखिए एक ही इंसान है किसी और कंट्री के इन्वायरमेंट में गया तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी उसका बिहेवियर चेंज हो गया यहां पे आके डिफरेंट हो गया आप बाहर जाते हैं आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा आपने सुना भी होगा कि आप रात को 12 बजे भी गुजरते हैं स्टाफ साइन पे जरूर रुकते हैं इवन इफ यू डोंट हैव एनी पर्सन देयर कोई शुड बी मॉनिटरिंग यू कोई पुलिस वाला नहीं देख रहा ट्रैफिक वाला नहीं देख रहा बट यू स्टॉप देयर यू नो दैट कि मुझे फाइन होगा यहां को आप दिन को भी स्टाफ साइन को तोड़ देते ये कैसे होता है अगेन सी एनवायरमेंट प्ले वेरी वाइट रोल इन योर बिहेवियर तो क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बिहेवियर पार्ट है इंडिविजल्स का इसके बेसिक दो कंपोनेंट्स हैं द पर्सन इट सेल्फ उस पर जैसे बहुत सी चीजें उस पर इफेक्ट आ रही हैं द वैल्यूज द नाम द एटीट्यूड द पर्सनैलिटी पार्ट दर्सेप्शन पार्ट एंड द स्किल्स एंड एबिलिटी एंड लर्निंग्स जो उसने सीखा है जो उसने सुना है जो देखा है उसके बेस पे उसकी परसेप्शन उसकी पर्सनैलिटी बनी वो पर्सन बना एंड द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेयर की आर शी इज परफॉर्मिंग तो ये दोनों चीजें मिलकर उसका बिहेवियर बनाते हैं तो कुछ बात समझ आ रही है माइट बी थिंकिंग वी थिंकिंग गोइंग हेयर एंड देयर बट सी देर आर वी आर टॉकिंग अबाउट ए बनी नो इंसानियत का वो जो इंसान है ना उसकी बात कर रहे हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है बड़ी सादा सी चीज भी है लेकिन बड़ी क्स चीज भी है सो व्हाट इज एन बिहेवियर इट इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एन एनवायरनमेंट। ये चीज समझ आ गई तो जब आग्नेशन के अंदर बात करते हैं या ह्यूमन आग्नेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर एस्पेक्ट में तीन लेवल ऑफ हम स्टडी भी करते हैं और उसी तीन लेवल पे उसी तरह कंप्लेक्सिटी आती जाती है इट स्टार्ट विद इंडिविजुअल बिहेवियर एक इंसान से एक इकाई से यूनिट से बात करते हैं उसको समझ लिया तो फिर ग्रुप डायनामिक ग्रुप लेवल को समझना आसान हो जाएगा जब एक ग्रुप का आपस में जब इंट्रैक्शन करते हैं इकट्ठे काम करते हैं वो समझ लिया तो फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे समझना आसान हो जाता है तो वेन वेन एवर यू हैव चांस टू तो गो थ्रू अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कोई भी बुक लेके पढ़ेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे कि उसमें डिस्कशन या उसकी जो लर्निंग शुरू होती है वो इंडिविजुअल से शुरू करते हैं ग्रुप की तरफ आते हैं तो फिर आग्नेशन लेवल पे बात को बात समझ आती है हम भी अगले एक आध डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा मैंने आपको टच दिया फीलिंग दी कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं और तो कौन से वेरिएबल्स हैं कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं तो अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा ग्रुप डायनामिज्म को भी ग्रुप का स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जब ये इंडिविजुअल है जब बहुत सारे इंडिविजुअल के साथ मिलकर रिएक्ट करता है सो देन उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट होता है

थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा समराइज करते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया कैसे? आपकी बारी है तो क्या डिस्कस किया हमने विचॉक अबाउट पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन क्यों लोग इकट्ठे काम करते हैं इसलिए इंडिविजुअल कंप्लेक्स जितना काम होता जाएगा उसके लिए ज्यादा लोग चाहिए होंगे और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मिलकर उनको ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में काम करना है उसमें बहुत सारा उन्होंने उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस्सा लिंक करना है आप लोगों ने हर एक को असाइन करना है टास्क को फिर उन टास्क के लिए उनको अथॉरिटी अथ्रार्थ, देनी है अथोराइज करना है कि हर एक ने कहां तक जाना है क्या करना है एंड देन यू हैव टू क्रिएट द कोआर्डिनेशन टाइप ऑफ थिंग्स एंड वेन देर कोआर्डिनेशन देन यू हैव टू गो फॉर कि उस जो सारी आपकी जो फ्लो है वो इस तरह एफिशियंट हो कि आप अपने गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशियंट और इफेक्टिव तरीके से कर सकें एंड देन डिस्कस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक नया फील्ड है स्टडी किया कहते हैं उसको थोड़ा सा टच किया That is a systematic स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन We call it organization बिहेवियर फिर हमने इंडिविजुअल बिहेवियर को और मुख्तिक कैसे बिहेवियर बनता है हेरिटी का क्या रोल है इन्वायरमेंट क्या पार्ट प्ले करता है वैल्यूज और एथिक्स उसमें क्या पार्ट प्ले करते हैं उसको डिस्कस किया And when we we'll try to understand the basic variables of human behavior, that is the behavior is the function of what? Yes, a person, a human being, and environment, and when we talk about the person, there are many basic factors that are person different and that is their values, their norms, their perception, their personality, and their learning, their education, there are many that affect us human being. जो उसको एक डिफरेंट पर्सन बनाती है एक दूसरे पर्सन से तो कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो गया नहीं आई डोंट थिंक सो जरूरी है उसके लिए कि आप पढ़ें कहां से पढ़ेंगे जैसे मैंने आपसे कहा आपने आगे एचआर की किताबें तो ली है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एस्पेक्ट इसका है वर्गन वरना को आजकल तो वेब पे हर चीज अवेलेबल है जस्ट आई ट ह्यूज नंबर ऑफ आर्टिकल्स पेपर स्लाइड बुक्स वगैरह का रेफरेंस आ जाएगा वहां से पढ़ लीजिए आसान हो जाएगा आपके लिए फिर भी ना समझ आए जैसे मोर देन हैप्पी टूर स्पॉर्ट वरना यह नोट्स तो साथ हैं इसके अंदर भी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको मेरा ख्याल है कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी तो इसके बाद क्या करना होता है हमने वी आर डन फॉर टूडे बट

तो फिर उसमें क्या होता है तो वेन यू आर वर्किंग इन द ग्रुप फॉर्म तो फिर उसमें जो सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है जो वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे जाहिर होता है वो कैसे मिलता है को या लोगों को नेक्स्ट टाइम के लिए आई बिलीव नाउ यू हैव लर्न के एनल यू विल रीड ये नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग हो सकता है आप सुनते सुनते सो भी गए हो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पढ़िए पहले पढ़ के आएंगे तो कुछ लफ्ज़ मैं इसको ऐसे कहता होता हूं कि जब पहले पढ़ेंगे तो कुछ लफ्ज़ ऐसे नए आपने लेट्स सी जैसे आपने बिहेवियर आज पढ़ा ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा पर्सन पर्सनालिटी देखा परसेप्शन देखा अगर ये लफ्ज़ पहले आपने कहीं खाली रीड भी की होती शायद समझना आई होती तो अभी समझने में ज्यादा आसानी हो जाती लेकिन इफ यू हैव आपने थोड़ा सा नहीं पढ़ा आपने कहा चलो कौन देखने वाला है, पूछने वाला तो अभी पहली दफा ये लफ आपने सुने होंगे तो योर माइंड विल बी कंफ्यूज कि यह क्या चीजें तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि पहले पढ़ लिया करें दोबारा जब आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी और फिर जब वापस जाके पढ़ेंगे तो आई कैन वेच ऑन दिस कि फिर कभी भूलेगा नहीं आपको आई होप कि आप पढ़ेंगे तो लेट्स स्टॉप है लेकिन जाने से पहले फिर बताऊं कि हार्ड वर्क का कोई नामल बदल नहीं है ये आप अपने लिए पढ़ेंगे अपनी फैमिली के लिए पढ़ेंगे अपनी नेशन के लिए पढ़ेंगे तो लेट्स वर्क हार्ड आई विल डू माय पार्ट यू शुड डू योर पार्ट एंड वी टुगेदर कैन मेक अ डिफरेंस दिस थार्ट थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफिज स